क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे। अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। नहीं वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव का विगुल बजा चुके हैं और ये बात आपको उनका ये बयान सुनकर पता लग जाएगी। कन्नौज में जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आपने डिंपल यादव को हमसे छीन लिया, तो अखिलेश यादव ने जवाब में कहा कि वो खुद कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव का कन्नौज सीट से लड़ने की बात कहना मामूली नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। कन्नौज की सीट से अखिलेश का पुराना नाता है। दरअसल कन्नौज ही वो सीट है जिससे पहली बार उपचुनाव जीतकर अखिलेश यादव सांसद बने थे। इसके साथ ही कन्नौज से पत्नी डिंपल की हार अखिलेश भूल नहीं पाए हैं। अखिलेश ने खुद तो पत्नी डिंपल को अपने पिता मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट पर शिफ्ट कर दिया है और अब कन्नौज में खुद बीजेपी से भिड़ने का ऐलान कर दिया है। अभी तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि अखिलेश ने विधानसभा का चुनाव प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने के लिए लड़ा था, लेकिन अखिलेश के इस बयान से ऐसा लगता है कि वे राष्ट्रीय राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं। अब सवाल ये है कि अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो यूपी की चर्चित आजमगढ़ सीट का क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक चर्चा ये है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से शिवपाल यादव को 2024 में टिकट दे सकते हैं। अखिलेश खेल सकते हैं ये बड़ा दांव। अखिलेश कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव, मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, कासगंज से तेज प्रताप यादव। अखिलेश यादव के इस चुनावी दाव से परिवार के बीच प्रदेश भर में बिखरी हुई यादव लैंड की सीटें आसानी से बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही अखिलेश चाचा शिवपाल यादव के साथ चल रही नाराजगी को भी दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल मैनपुरी उपचुनाव के बीच अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का ऐलान कर बड़ा धमाका कर दिया है। पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश अपने परिवार की सीटों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिससे यूपी के यादव परिवार का सियासी वजूद फिर से जिंदा हो सके। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा, करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात, देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।